सैलाब में सिमटी त्रासदी का नाम बन गया है बिहार। आज तक की टीम जब पूर्वी चंपारण के इन गांवों में नाव से पहुंची तो बाढ़ की विभीषिका से सामना हुआ। बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा पता नहीं, तब तक सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का खतरा है, तो साथ ही पानी जम जाने से बीमारी पनपने का भी डर है। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी, इस बार की तस्वीरें ये। बस ऐसे ही जैसे गुजर काटना होता है, हम लोग को 10-11 दिन तो ऐसे ही कटना पड़ता है। और नॉर्मली देखिए तो हम लोग मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीना तो ऐसे ही कटता है हम लोग का, कोई सरकार के यहाँ से कोई कुछ हम लोग को मिलती नहीं है। बहुत दिक्कत, चूल चौकी बर बिछावना के कोनो साधन नहीं के, बड़े सांप आवत अटे, इतना इतना मोट के सांप कीड़ा फतिंगा बहुत आवत अटे, बच्चा सन के लेके हमने के बहुत दिक्कत यहाँ होके। कोरोना से तो ये लोग लड़ ही रहे थे, उस पर से बाढ़ आई तो बीमार होने पर अस्पताल जाने के लिए नाव का ही सहारा है, पीने का साफ पानी भी मयसर नहीं है। फिलहाल में दूध डिलीवरी हुआ है हमारे गांव में, अधी अधी रात को हम लोग छोटे नाव से ले जाकर मतलब उसका डिलीवरी करवाए हैं। कितने महीने से नल जल व्यवस्था वैसे ही ठप है, सिर्फ नाम के लिए नल जल है लेकिन शुद्ध पानी हम लोग को पीने को नहीं मिलता है। जो भी बाढ़ आता है न यहाँ ब्लॉक से हम लोग कोई मदद मिलता है, न मुखिया द्वारा कोई मिलता है, कहीं से हम लोग कोई साधन नहीं मिलता है। छोटी सी उम्मीद है, छोटी सी ख्वाहिश है कि जिंदगी कम से कम सामान्य तो चल पाए, ये मांगना कुछ ज्यादा तो नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात अगर हर साल यही रहेंगे तो फिर सरकारें आखिर हैं ही क्यों। गंडक गोपालगंज में तबाही ले आई, जब पक्के मकान डूब गए तो झोपड़ियों के क्या औकात, जिंदगी पानी के रहमो करम पर गुजर रही है। सदर और मांझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में लोग पीने के पानी और दवा को तरस रहे हैं। जब हमारे संवाददाता बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तो एक महिला ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया। नदी का पानी गर्म बुखार हो गया, दिन हो गया हमारा। बाढ़ आया तो खगड़िया के किसानों की मेहनत पानी में बह गया, खून पसीने की कमाई आंखों के सामने डूबने लगी, धान और मूंग की फसल जलमग्न हो गई, कोसी ने सब कुछ चौपट कर दिया। जहाँ पानी वो काफी तेजी से प्रवेश कर गया और धान वगैरह का फसल चौपट हो गई है। मकई का जो 25% 30% खेत में लगा हुआ था वह भी बर्बाद होने के कगार पर है। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाली तिलयुगा नदी भी आंखें दिखाने लगी, सड़क पानी में बह गया। सैलाब से बिहार के 8 जिलों में फिलहाल तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ डूबा डूबा है। बाढ़ के पानी से दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का इलाका समंदर बन गया। नेपाल में भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है, वहीं कमला बलान नदी भी कम रौद्र रूप में नहीं है। मानसून आते ही बिहार की नदियां अपनी सीमाएं भूल जाती हैं, क्योंकि इनको सीमा में रखने के लिए प्रशासन का इंतजाम कभी होता ही नहीं है। इसी मुजफ्फरपुर की एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। बाढ़ के इस पानी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथों में इस तरीके से राइफल को लेके, जूते चप्पल जो पहनते हैं और पानी पीने का जो सामान होता है उसको लेके इस तरीके से निकलना पड़ रहा है ड्यूटी के लिए। सबके बाद सवाल यही है कि आखिर बिहार को कुदरत के इस खतरे से कब छुटकारा मिलेगा। पूर्वी चंपारण में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।